हाय, गुड इवनिंग मानस। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे लेट्स वेट कपल ऑफ मिनट्स फॉर अदर्स टू जॉइन इन, फिर हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देख लिया था? आई थिंक 18 जुलाई को हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन स्टार्ट किया था, राइट? डाल्टन्स थ्योरी, ओके, कैथोड रे ट्यूब मॉडिफिकेशंस एंड राइट, जे थॉमसन्स टेक्निक, ठीक है। सो इन द मीन टाइम बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग ये मॉडिफिकेशंस वाला वीडियो देख सकते हो। आई विल जस्ट क्विकली शेयर दिस ओवर द चैट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसका डिस्कशन किया था। ये देखो, आई हैव शेयर इट ऑन द चैट इटसेल्फ। यू कैन स्पेयर सम टाइम टू वॉच दिस वीडियो विच टॉक्स अबाउट द मॉडिफिकेशंस। लास्ट वाला पार्ट छोड़ देना, लास्ट वाला पार्ट टॉक्स अबाउट एक्सरेज एंड ऑल, दैट इज नॉट समथिंग विच वी आर गोइंग इन टू द डिटेल्स ऑफ राइट नाउ। यस सुबोध, इट विल बी। आज था ये सब माल्टेज क्रॉस ट्यूब या फिर क्रुक्स ट्यूब, विलियम्स ट्यूब, ये सब क्या है? मतलब बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट और बेस्ड ऑन द मॉडिफिकेशन डन इन द एक्सपेरिमेंट, उसके हिसाब से इट हैज नथिंग ऑफ अ साइंटिफिक सिग्निफिकेंस। तो द ऑब्जेक्ट विच वॉज प्लेस्ड, हम लोगों ने देखा था ना लास्ट क्लास में बात करी थी, मतलब लास्ट क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले क्लास में, दैट शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट वॉज देयर। तो शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट क्या है? एक क्रॉस है जिसको डाल दिया है।
आई नो रोमिल, बेचारा टेडी। नहीं, सुबोध ये वाला सेटअप घर पे कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इतना हाई पोटेंशियल डिफेंस के लिए आपको डीसी जनरेटर लगेगा। Great. Now I think most of the students have joined in. We can begin today's discussion, right? So as I was saying in the last class, हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड उनके डिस्कवरी के बारे में बात कर रहे थे, इन विच आर फोकस वॉज ऑन इलेक्ट्रॉन। एंड इन लास्ट क्लास वी अंडरस्टूड अबाउट कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब पार्टिकल्स एंड जे.जे. थॉमसन्स इम्पॉर्टेंट रिजल्ट अबाउट क्यू बाय एम, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ द कैथोड रे पार्टिकल्स। नाउ इलेक्ट्रॉन्स में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन को लेकर थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है विच आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड वाया रॉबर्ट मिलिकन, आर मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। नाउ दिस इज समथिंग विच हेल्प्ड इन फाइंडिंग आउट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो जस्ट एज एन इंटरेस्टिंग एड ऑन टू आर नॉलेज बेस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंट सेटअप एंड will not get into the mathematical calculations of it, but will get an idea of how Millikan was able to determine the charge of an electron. So yahan par aap notice karna experimental setup kis tarike se hai. I have a good diagram to talk about it. Let me take that diagram over here. This is a simplified version hai. सो फोकस करना यहां पर, देर इज दिस वेसल। ठीक है, इन दिस वेसल देर इज अ प्रोविजन टू स्प्रिंकल ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, थ्रू दिस वेपराइजर यू कैन से देर इज प्रोविजन टू पुट इन ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, नाउ देर इज ऑल्सो अ प्रोविजन, यहां पर मेंशन नहीं कर रखा है, बट देर इज अ प्रोविजन to introduce x-rays inside the vessel, inside this chamber. Then these rays are made to pass through an electric field. Okay, so there is this setup in which यहाँ पर एक bottom में plate है। ठीक है, उस plate में perforations है so that the oil droplet can pass through. ठीक है, एंड देर इज अ माइक्रोस्कोप टू व्यू द मोशन ऑफ दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो ये सेटअप है हमारा। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट बिकॉज ऑफ द एक्सरेज पास्ड, ठीक है, व्हाट दीज एक्सरेज डू इज दीज एक्सरेज दीज आर हाई एनर्जी रेडिएशंस। These ionize the gas present inside. ठीक है, they ionize the gas present inside by ejecting
electrons out of gas atoms or molecules, whichever there are. ठीक है. Now, what happens as a result of this, that these oil particles, ठीक है, these oil droplets, they become charged because of these ions or electrons present inside the vessel. ठीक है, the oil droplets become charged by attaching with these ions or electrons present inside the chamber. Now, in order to understand the charge on these oil droplets, ठीक है, to calculate charge on these oil droplets, a force on elect, or you can say uniform electric field is applied. ठीक है, now this field, what it does is, यहां पर आप observe करना किसी भी एक oil droplet के ऊपर जिसका charge से क्यों रहेगा. अब इसके ऊपर force लगेगा, एक तो gravitation का force रहेगा going downwards. ठीक है, then depending upon what kind of charge is there on the oil droplet, there could be an electrical force acting either in down or up direction depending upon kis tarike ka charge oil droplet ne acquire kiya hai. It could be positive or negative, but in case when it is when the charge or the nature of charge in such a manner that the electrical force in the upward direction, the forces may balance. ठीक है, a balance of force is possible for few droplets. ठीक है, and these will be the droplets that will be then observed. ठीक है, these droplets are the observed ones. ठीक है, बाकी जो ड्रॉप करती रहेंगी काफी, दे विल बी क्वाइट स्लो. दीज बैलेंस ऑफ फोर्सेस विल रिजल्ट इन आइदर वेरी स्लो और यू कैन से ऑलमोस्ट जीरो स्पीड. ठीक है, ऑफ दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स, दीज विल बी द ऑब्जर्व्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स बाय मिलिकन टू डू द कैलकुलेशन of charge or the oil droplet. ठीक है, तो इसको better explain करने के लिए let me help you understand one more video. So there is this simulation. ठीक है, let me again share this link with everyone. How do I copy? Control C. Okay. Let me share this video ka link. So it is a simulation. Now this is not an actual experiment. जैसे मैंने cathode ray का तो क्या आपको actual experiment बताया था. This is a simulation. तो आप लोगों को ये link मिला है सबको chat पर. तो आप लोग ये link को click करो. And
See, what is happening in this experimental setup? ठीक है, एक बार आप लोग देखो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। राइट, सो आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। सो जो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रोल था, ठीक है, दैट इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये जो यहाँ पर लिखा है ना, ऐसे सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस कैन बी एडजस्टेड। ठीक है, so as part of that simulation, what is being talked about is that when the oil droplets are falling down, they can either made to accelerate or they can also get deaccelerated depending upon the direction in which the force is acting. ठीक है, now by doing modifications to this potential, we can get सम ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ये तो सिमुलेशन था। ठीक है, इन रियल लाइफ देयर विल बी अ वेरी वेरी लार्ज सैंपल ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स दैट विल बी कमिंग डाउन। सबका साइज सेम होना जरूरी नहीं है, साइज अलग अलग हो सकता है, सबके ऊपर चार्ज अलग अलग हो सकता है। सो वॉट वी आर गोइंग टू डू इज एज पार्ट ऑफ एडजस्टिंग द पोटेंशियल सम ऑफ द ड्रॉपलेट्स, ठीक है, दे माइट फाइंड अ बैलेंस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम एंड एज अ रिजल्ट their speed will become very very slow or you can say almost zero. ठीक है, actually मैं यहाँ पर अगर detailed calculations में जाते हैं, ठीक है, तो there is drag force also. ठीक है, the force because of the resistance of the air that is present inside. But ठीक है, हम लोगों को calculation में जाने की जरूरत नहीं है अभी। तो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट सम ऑफ दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स दे एक्सपीरियंस अ बैलेंस ऑफ फोर्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस दैट वाज अप्लाइड। ठीक है, एंड ऑन दीज पर्टिकुलर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ऑन द वंस व्हिच वर ऑब्जर्व्ड, ठीक है, मिलिकन डज द कैलकुलेशन। ठीक है, अब कैलकुलेशंस क्या थी वो हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस डन ऑन दीज ड्रॉप्स व्हाट हैपेंड वाज मिलिकन अराइव्ड एट अ वेरी यू नो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दैट charge on the oil droplet was always coming out as a multiple, or you can say roughly with slight experimental errors, coming out to be always a multiple of, ठीक है, एंड मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, तो चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट्स वॉज ऑलवेज कमिंग आउट एज अ मल्टीपल ऑफ इट, सो एन कुड बी 1, 2, 3, so on, so forth. So this observation, okay, this observation by Millikan is called as observation of quantization of charge. Okay, ध्यान से observe करना. What do we call this? Or what Millikan concluded is that charge
is quantized. What does this term mean? Charge is quantized. So what it means is that charge exists in form of discrete units. Okay, charge exists as multiple of a smallest unit and not a continuous quantity. Okay, so what I mean to say is that charge is something, ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम मिलेगा, 2 टाइम्स 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम मिलेगा, 3 टाइम्स 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम मिलेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, बट नॉट समथिंग लाइक 3.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये नहीं होगा, ठीक है. It exists as a multiple only. It is not something which is continuous. So you will not have charge between 1.6 and 3.2 into 10 ki power minus 19 coulomb. Yahan milega, beech mein nahi milega. So this is something which came out as a very important observation. And this smallest unit of charge that you can see was assigned as the fundamental charge and assigned as the charge of electron. Okay, so this smallest unit of charge was assigned as the charge of electron. Now this gives you the idea of the important data points regarding the electron. So yahan par aap observe karna, let me just quickly bring out those points and the values that you need to remember. So dhyan rakhna, charge upon mass ratio of an electron was 1.76 into 10 raised to the power of 11 coulomb per kg. Theek hai, we have found out that the magnitude of the charge of an electron is 1.6 into 10 raised to the power of minus 19 coulomb, and as a result mass of electron, if you substitute this value, you will get this to be 9.1 into 10 raised to the power of minus 31 kg. So these are some things to remember by. आगे फ्यूचर में कई बार ये कैलकुलेशन में आ सकते हैं, ठीक है. ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज नेगेटिव, सो आई हैव जस्ट टेकन द मैग्नीट्यूड. नाउ इज दिस समथिंग क्लियर विद एवरीवन? द इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दैट कम्स फ्रॉम मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट इज द फैक्ट दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है. Now, so these are some of the important highlights about the electron. Let me quickly move on to the highlights associated with the proton as well. Okay, now proton, as I said again last time, that proton was not something that got discovered and named proton right after. It was actually anode rays. Anode rays which got discovered via modifications in CRT experiment. Now this is something that I had spoken about in the last class also, and let me use this diagram only to talk about it. ठीक है, ये हम लोगों ने last class में देखा भी था. Now this is the same cathode ray tube experiment setup. I'll just point out couple of things. This side you have cathode,
ठीक है, ये जो टॉप में यहाँ पर है, ये आपका कैथोड रहेगा एंड दिस कैथोड इज परफोरेटेड. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय परफोरेटेड? दैट देर आर होल्स प्रेजेंट इनसाइड इट थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स कैन और नॉट इलेक्ट्रॉन्स, दीज गैशियस आयन्स कैन पास थ्रू. ठीक है, एंड दीज द पिंक ग्लो इज योर एनोड रेज. These are positively charged gaseous ions. ठीक है, ध्यान रखना, these are not protons. There is a very common misconception in among students that you know, that anode rays are made up of protons. No, anode rays are actually made up of positively charged gaseous ions. ये मैंने आपको last class में explain करा था depth में, तो I am not going into those details again. ठीक है, and the thing was that this charge by mass ratio q by m ratio of these anode particles depends on type of gas. ठीक है, एंड दिस वॉज समथिंग विच वॉज कमिंग मैक्सिमम फॉर द लाइटेस्ट गैस. राइट, किस गैस के लिए ये क्यू बाय एम का वैल्यू मैक्सिमम आएगा? इट केम मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन गैस. ठीक है, एंड दैट इज वेयर द gaseous ion, ठीक है, associated, the ion associated with H2 gas, H plus ion, ठीक है, H plus ion was assigned the fundamental positive charge present in an atom. ठीक है, this was actually something which was more of a extrapolation, you can say, that came post this experiment that you know हम लोगों ने cathode rays study करे, modifications करे, and वही set of modification anode rays पे भी apply करे. ठीक है, it was found to deflect a light paddle wheel. It was found to deflect under the influence of an external electrical and magnetic field. तो वो सब चीजें observe हुई, ठीक है, and उससे कुछ conclusions भी समझ में आए that these anode rays are actually made up of certain particles which are positively charged, ठीक है, because of the kind of deflection that was shown, and amongst different gases that were used, the q by m value was coming out to be different. Why? Because of the fact that these particles were gaseous ions only. So different gas ka different ions rahega, and isme jo sabse zyada q by m value wala tha, theek hai, the one with the lightest gas particle was that of h2, and that is what h2 was assigned, or h plus was assigned as the fundamental positive charge present inside the atom. ठीक है, the term proton was not coined yet. ठीक है, the term proton was coined much later by Rutherford. The term proton was coined much later by Rutherford as part of his model of atom. अभी तो इनका क्या नाम था? एनोड रे पार्टिकल्स. राइट, एंड इनके बारे में क्या क्या ऑब्जर्वेशन बाद में आई. ठीक है, इसके बारे में ये हमें समझ में आया दैट चार्ज ऑफ प्रोटॉन वाज
plus 1.6 into 10 raised to the power of minus 19 coulomb and mass of proton. Okay, this was also determined much later using experimental techniques, that it was 1.67 into 10 raised to the power of minus 24 grams, or you can say minus 27 kilograms. So these are also some things which you should remember for a proton. Okay. So these earlier experiments that were conducted by the scientists, they helped understand, you know, that atom is not indivisible. In fact, inside the atom, there are certain positively and negatively charged particles that are present. And by doing these experiments, by doing this cathode ray tube experiment setup, we were able to separate these positive and negative charged particles that were present inside the atom and study them separately. Now the natural question, the next logical question that came into the minds of the scientists at that point in time was that how are these positive and negatively charged particles present inside the atom? What is the structure of atom? Right, so this is what something, you know, led to the next topic of discussion, which is different models of atom that were proposed by the scientists. Models of atom, or you can say structure of atom. Now, in this, one of the first ones that you would have studied again in your junior classes is Thomson's plum pudding model. ठीक है, प्लम पुडिंग बोलते हैं या वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं. नाउ इंटरेस्टिंगली दिस वाज अ मॉडल दैट डिड नॉट हैव मच एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बिहाइंड दिस. इट वाज हाइपोथेसाइज्ड बाय जेजे थॉमसन. अब जेजे थॉमसन उस टाइम पे ही वाज अ बिग शॉट विद ऑल हिज टेक्निक्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड ऑल दिस रिसर्च इनटू द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. तो कैसा होता है दैट एनी पर्सन ऑफ दिस स्टेचर इफ ही प्रेजेंट्स एन आइडिया दैट इज नॉट रिजेक्टेड राइट अवे बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी. इट वाज पेड हीट टू एंड इट बिकेम पार्ट ऑफ एक्चुअली यू नो द साइंटिफिक कम्युनिटी स्टार्टेड यूजिंग इट टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. नाउ आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बट मैं स्टिल एक बार के लिए इसके ऊपर दो लाइनें लिख देता हूँ. दैट व्हाट थॉमसन प्रपोज्ड वाज दैट एटम इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन्स द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है, और आई शुड से यहाँ पर लेट मी यूज कपल ऑफ मोर वर्ड्स टू मेक इट मोर रिलेटेबल व्हेन आई विल शो यू अ सिमुलेशन. सो एटम ऑफ और एटम इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ डिफ्यूज्ड पॉजिटिव चार्ज. डिफ्यूज्ड का मतलब होगा ऐसे यू नो फैला हुआ, लाइक अ क्लाउड is a diffused form of water. Check your water vapor. So you have a diffused positively charged spread throughout in a spherical manner. Check your with electrons. Check your embedded randomly just a second
एक मिनट आ गाइस, राइट, सो यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रैंडमली इनसाइड इट. ठीक है, तो यहां पर ऐसे नेगेटिवली चार्ज्ड राइट, सिमिलर टू व्हाट वाटरमेलन विद सीड्स वुड बी, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटरमेलन मॉडल. नाउ द थिंग इज दैट दिस वॉज सून डिस्कार्डेड, ठीक है, बाय रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. नाउ what I would want you to understand about Rutherford's gold foil scattering experiment is via a more interactive simulation. So let me also find the link for this and let me share with everyone. ठीक है, आप लोगों ने already पढ़ा हुआ ही है, so I'm just trying to make it more interesting. Oh नहीं, my bad, that is not the link. Let me find another link. आप लोगों को दिख रहा है यहां पर? और नहीं तो आई कैन, यप, वेट अ मिनट, आई गॉट द लिंक, आई विल शेयर द लिंक विद एवरीवन नाउ. नहीं मैं दिखाऊंगा तो क्या थोड़ा सा लैग आएगा, सो दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग दिस लिंक विद एवरीवन. इट्स अ सिमुलेशन. ठीक है, अगर आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करो किस तरीके से ये वर्क करेगा. सो लेट मी फर्स्ट क्लिक ऑन द प्लम पुडिंग मॉडल. ठीक है, देर आर टू मॉडल्स दैट आर देर, देर इज रदरफोर्ड एंड देर इज प्लम पुडिंग. तो प्लम पुडिंग मॉडल में कैसा है, दैट ऐसे पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज प्रेजेंट है एंड इलेक्ट्रॉन्स इसमें रैंडमली एम्बेडेड है. ठीक है, नाउ इफ यू रिमेंबर व्हाट रदरफोर्ड्स मॉडल वॉज, रदरफोर्ड मॉडल में और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या था, दैट वी ऐसे प्रोजेक्ट अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, थ्रू अ थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल. ठीक है, एंड इफ रदरफोर्ड और सॉरी इफ थॉमसन वॉज राइट, देन ऑल दीज अल्फा पार्टिकल्स शुड हैव गॉन स्ट्रेट थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. ठीक है, सो लेट मी टॉक अबाउट, पहले मैं एक बार सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको एक गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का सेटअप याद दिला देता हूं. सो देयर वाज दिस सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इज टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स कंबाइंड. ठीक है, देयर इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहां से ऐसे स्ट्रीमलाइंड मैनर में अल्फा पार्टिकल्स आर कमिंग इन एंड देयर इज अ वेरी थिन, एक्सट्रीमली थिन गोल्ड फॉइल and behind this thin gold foil there is a detector screen, ZNS coated detector screen, which will help
identify or which will help find out where these alpha particles are striking. ठीक है. नाउ यहां पर आप ऑब्जर्व करना. हाँ, सो डेफिनेटली यू विल हैव मल्टीपल क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, दैट व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड यूजिंग अल्फा पार्टिकल्स. वेल, अल्फा पार्टिकल्स वर काइंड ऑफ ऑप्टिमल इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस दैट वर सपोज टू बी मेड. ठीक है, वो इतने बड़े भी नहीं थे कि एटम्स यू नो ये गोल्ड फॉइल के थ्रू पास ही नहीं कर पाए. ठीक है, और इतने छोटे भी नहीं थे दैट they are not detectable. Okay, so they became you know a good option for understanding about the structure of atom. So what this simulation is talking about is, you know, if plum pudding model was correct, then all the alpha particles should have gone straight through without any deflection. Why? Because according to Thomson, the model of the atom was something which was based on a diffuse charge, right? So, for example, you have a cloud, right? And this cloud ke through, you throw some particles. So what will happen is that because the cloud is diffused in nature, it is not going to deflect the particles. It is just going to let them pass through. However, what the observations came were quite different. So the observations that came were threefold. Okay, the first observation that came was that yes, most of the particles are actually going straight without any deflection. Okay. Most of the particles were going straight only. Then there was a second observation, which was that some particles did deflect by a small angle. Okay. And there was another observation which talked about that some particles got deflected by a large angle. Okay. They kind of came back more than 90 degree ke angle se deflect ho gaye. So these observations were something which immediately contradicted the plum pudding model. Theek hai, so yahan par observe karna, let me write down the observations and the associated conclusions which Rutherford made based on this setup. So as you can see, there are three important observations. The first observation is that most, theek hai, most matlab 99% se bhi zyada, theek hai, 99% or more alpha particles went straight through without any deflection. Okay, so the conclusion which based on which Rutherford gave, yahan par observe karna, that most of the atom is empty. That was the conclusion from Rutherford, saying that you know, most of the atom is empty and these alpha particles they are just going straight through without any deflection. Theek hai, now few, theek hai, or you can say some, theek hai, less than 1%, very very small value, less than 1% alpha particles
deflected by a small angle. Okay, a very small angle. This is the second observation, as I am highlighting, that there was some deflection. Now, what he concluded was that inside atom there is a tiny region. Okay, inside atom there is a tiny. Why did it say tiny? Because most of the particles were going through, were going straight. Only very small portion suffered deflection. Okay, so inside the atom there is a tiny region. Okay, called nucleus. Okay, there is a tiny region. Usi ne naam diya. He only coined the term nucleus. ठीक है एंड स्टार्टिंग में तो देखो रदरफोर्ड ये भी कंक्लूड नहीं कर पाया था दैट इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है, ही हैड नो बेसिस ऑफ कंक्लूडिंग इट एज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रीजन. बाद में इट वाज हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम द मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम दैट यू नो सेंटर में जैसे सन प्रेजेंट होता है उसके अराउंड प्लैनेट्स रहते हैं वैसे ही सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा पॉजिटिवली चार्ज एंड उसके अराउंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी रिवॉल्विंग. ठीक है, सो इनसाइड द एटम देयर इज अ टाइनी रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस. ठीक है, विच अभी के लिए मैं लिख रहा हूं दैट इट इज पॉजिटिवली चार्ज दैट डिफ्लेक्टेड alpha particles passing near it. Okay, that deflected alpha particles passing near it. So this is something now you can see in the simulation. Let me take you back to the simulation and this time let me take the Rutherford's atom. Okay, so now let's say I'm going to click on this button and start with the alpha particles. And let me put in the tracers also. So you can see, ठीक है यहाँ पर तो कैसा है यहाँ पर आपको काफी ऐसे zoomed in version दिखाया जा रहा है atom का. But in real life, the size of the nucleus is much small as compared to that of the atom. You might have heard it in your junior classes that you can imagine the size of atom to be like a football field. And the size of nucleus to be the football inside. इतना होता है, ठीक है? यहाँ पर तो ये फिर भी आपको थोड़ा बड़ा दिखाया गया है. Otherwise, nucleus इससे भी बहुत छोटा होता है, ठीक है? So you imagine the football field and football का ratio. तो यहाँ पर क्या होगा? The most of the alpha particles, which are not going nearby, as you can see, the alpha particles which are not going nearby the nucleus. They go without any deflection. ठीक है, now as you can see the alpha particles which come closer to the nucleus, ठीक है, they are deflecting. Sometimes if a particle it kind of you know comes you know almost in line, you can see some alpha particles going almost backwards also. ठीक है, some alpha particles which come very like head on collision with nucleus, they might even suffer a very large deflection. ठीक है, so यहां पर the third observation that came was that few alpha particles. ठीक है, few मतलब very very less, मतलब I don't even remember the proportion of it, but it will be something even less than 0.1%. ठीक है, much lesser than that. So few alpha particles deflected by a large angle.
ठीक है, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स दे वर डिफ्लेक्टेड बाय अ लार्ज एंगल. नाउ एज अ रिजल्ट इसके लिए क्या कंक्लूजन यहां पर ड्रॉ किया रदरफोर्ड ने? द कंक्लूजन दैट रदरफोर्ड हैड वाज दैट दिस न्यूक्लियस, ठीक है, दिस टाइनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज और यू कैन से इज समथिंग दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑलमोस्ट द एंटायर मास of the atom. Okay, this nucleus is quite dense and constitutes most of the mass of atom. Okay, largely it is empty. And उसके थ्रू जब अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं तो दे आर गोइंग अनडिफ्लेक्टेड, दे आर गोइंग स्ट्रेट. बट ये न्यूक्लियस के अराउंड अल्फा पार्टिकल्स अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो दे आर सफरिंग डिफ्लेक्शंस एंड सम आर इवन सफरिंग डिफ्लेक्शंस बाय वेरी लार्ज एंगल्स. एंड दिस इज वॉट मेड हिम कंक्लूड दैट दिस न्यूक्लियस इज क्वाइट डेंस एंड कॉन्स्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट the entire mass of the atom. Like you can imagine, for example, let's say you have a balloon and you have an say iron ball, okay, and now you are throwing some particles at them, right? Those particles are coming back in which case? In case when they are striking the iron and returning back. Balloon ke case mein kya ho sakta hai? The balloon itself gets carried away by the momentum of the alpha particles. ठीक है, तो ऐसा नहीं हो रहा था यहाँ पर. द न्यूक्लियस वॉज क्वाइट हैवी एंड वॉज डिफ्लेक्टिंग दीज अल्फा पार्टिकल्स बाय लार्ज एंगल्स. सो दीज वर द की ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स दैट वॉज मेड बाय रदरफोर्ड. नाउ पोस्ट दिस, एज आई सेड, द रिमेंडर यू नो इंफॉर्मेशन वॉज जस्ट इंस्पिरेशन फ्रॉम द मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम. ठीक है, सो यहां पर ऑब्जर्व करना, बेस्ड ऑन दीज कंक्लूजन्स एंड टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है. सो इफ यू रिमेंबर that Rutherford model is also called as planetary model of atom. So that planetary model of atom is comes because of this inspiration from solar system. Rutherford proposed based on this, Rutherford proposed that nucleus is present at the center of atom and electrons revolve around it with the centrifugal force balanced by electrostatic attraction force. Right, so there is nucleus at the center and there are electrons present around it. बहुत डिफिकल्ट है यार ये. एज यू वुड नोटिस, आज मैं एक्चुअली डिफरेंट लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा ड्राइंग करना डिफिकल्ट हो रहा है.
especially हाँ मैकबुक पे काम कर रहा हूँ आज एक्चुअली. वो जो स्पेक्टर था मतलब है अभी भी वो मेरी वाइफ का है, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन डोमेस्टिक डिप्लोमेसी फेलियर्स आई हैव टू रिवर्ट बैक टू माई मैकबुक. इसमें नहीं है रे सर्किल का टूल यार, दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज. मतलब माइक्रोसॉफ्ट ना मैक के लिए ये सब चीज़ें बनाता ही नहीं है. ओ हाँ यहाँ पर है, मिला मिला, आई फाउंड इट समवेयर. कहाँ गया? भगवान जाने से कुछ बनेगा क्या. अरे बना, अब वो सर्कल बन रहा है कि अंडा बन रहा है वो चीज़ तुम लोग देख लेना, अभी के लिए इतना बहुत है. सो ये पॉजिटिवली चार्ज एंड ये इलेक्ट्रॉन एंड ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है आपने पढ़ा होगा कि नहीं होगा आई डोंट नो, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है दैट इज रेडियली आउटवर्ड्स. ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग विच वॉज द एटम और द मॉडल ऑफ द एटम एज प्रपोज बाय रदरफोर्ड. ठीक है, ये सिमुलेशन आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, दीज ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स. ऑल राइट, ग्रेट. नाउ दिस इज समथिंग विच वॉज अ रिफ्रेश फ्रॉम वॉट यू वुड हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर जूनियर क्लासेस. ठीक है, नाउ लेट मी एड समथिंग एक्स्ट्रा टू इट. ठीक है, अब आप इस पे देखना जेई का कैसा एक पर्सपेक्टिव रहता है. सो अभी रदरफोर्ड का मॉडल इतना सा नहीं था कि रदरफोर्ड ने इतना सा स्टडी करके छोड़ दिया था. इनफैक्ट इट वॉज नॉट इवन रदरफोर्ड हु डिड द स्टडी, इट वॉज रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स ग्रेगर एंड मार्सन, मार्सडन, आई डोंट इवन नो हाउ टू प्रनाउंस इट. दीज टू गाइज दे एक्चुअली वर पीएचडी कैंडिडेट्स वर्किंग अंडर रदरफोर्ड एंड इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन एंड एग्जीक्यूट किया था. अभी पीएचडी तो क्या होते हैं, मतलब उस टाइम पे वही होता है ना, जूनियर सीनियर का हिसाब होता है. सो द क्रेडिट एक्चुअली वेंट टू रदरफोर्ड, बट द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट वॉज डिजाइंड एंड कंडक्टेड बाई दीज टू गाइज. सो लेट्स पे सम रिस्पेक्ट टू देम एज वेल. And let's say I'm posing a question to you. The question is in the following manner, that they did their experimental observations and they found out certain mathematically important points. ठीक है, now don't get into the details of it कि कैसे ये इन्होंने derive करा. ठीक है, हाँ शेखर, this is also called as the same experiment. अभी आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस देयर नेम्स, गीगर एंड मार्डन और मार्सडन, आई थिंक कुछ तो साइलेंट होगा इनमें. आई रियली डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस देयर नेम्स. सो लेट्स से आपको मैंने पैराग्राफ के फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है. ठीक है, दैट रदरफोर्ड इक्वेशन बनाया था अबाउट प्रिडिक्टिंग एस. वॉट इज एस? एस इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, दैट आर इमर्जिंग आउट ऑफ दैट प्लेट, आउट ऑफ दैट गोल्ड फॉइल. यहाँ पर देखो ये सोर्स है, दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ पर ये गोल्ड फॉइल है. ठीक है, एंड गोल्ड फॉइल की वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है अल्फा पार्टिकल्स का. ठीक है, तो अब ये बता रहा है दैट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड पर मिनट फ्रॉम द स्कैटरिंग फॉइल एट अ गिवन एंगल फाई, ठीक है, शुड बी प्रपोर्शनल टू दीज वैल्यूज. ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन एंड देयर कैन बी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टू सिलेक्ट फ्रॉम ABCD. ठीक है, लेट मी काइंड ऑफ ब्रिंग दिस हियर. या
ठीक है, ये ग्राफ जो है ये एस वर्सेस टी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वर्सेस थिकनेस वाइल कीपिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट, टेक एन अटेम्प्ट एंड लेट मी नो कि आपसे क्या बन पा रहा है. ठीक है, रट्टा मत मारना इस चीज का. दिस इज नॉट समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. दिस इज नॉट इवन पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ये तो आप इस तरीके से मान के चलो कि लेट्स से आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दिया एंड ऑन द स्पॉट आपको उस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन का नॉलेज अक्वायर करना है एंड क्वेश्चंस को आंसर करना है. तो उसी फॉर्म में ये क्वेश्चन मैंने पुट करा है. ठीक है, हाँ अनु, मतलब व्हाट इज योर क्वेश्चन? इंक्रीज ऑफ दिस एंगल फाई. ठीक है, ये जो एंगल है फाई, इसके बारे में बोला जा रहा है. सुबोध, आपका एक आंसर सही है, एक आंसर गलत है. केदार, आपके दोनों आंसर सही हैं. गुड. आप लोगों ने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपको साइन थीटा की वैल्यूज एंड कॉस थीटा की वैल्यूज ये सब तो आइडिया होंगी. सही, रावी, एक आंसर सही है, एक आंसर गड़बड़ है. सेम गोज फॉर यू शेखर. श्रेया, नहीं, आपके दोनों आंसर गड़बड़ है. हाँ सुबोध, सुबोध, सानिका, रावी, राइट, करेक्ट. नहीं लक्ष्मी. शिवांक, एक सही आंसर है, एक गलत है. All right, so let me now explain. Well, the correct answer is B and C. ठीक है, B and C is the correct answer. यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है मैंने वैसे. अब आप यहाँ पर observe करना कैसे. तो A and B में एक answer होगा, तो observe करते हैं कौन सा correct है. तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर एस का वैल्यू क्या रहेगा. तो ये जो एंगल था फाई, यहां पर कैसा था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर गोइंग स्ट्रेट थ्रू. ठीक है, तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ फाई, ठीक है, मोर विल बी द पार्टिकल्स. जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जा रहे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जाएंगे.
ये तो हमें सीधे सीधे रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन से ही याद आ गया. एंड इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें आप देखोगे मैथमेटिकली भी लिखा हुआ है दैट एस, ठीक है, फ्रॉम दिस यू कैन से दैट एस इज प्रपोर्शनल टू 1/sin 5/2 की पावर 4. ठीक है, तो अब अगर देखो ना साइन का वैल्यू कैसा रहता है, जैसे जैसे फाई इंक्रीज करता है, एज फाई इंक्रीजेज 0 to 180 degree, वैसे वैसे साइन फाई और यू कैन से साइन 5/2 इंक्रीज करेगा ना. ये समझ में आया, इतना आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है. तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो एस का वैल्यू कम हो जाएगा. आप ऐसे मैथमेटिकली भी कंक्लूड कर सकते हो, एज वेल एज इफ यू रिमेम्बर मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वर गोइंग स्ट्रेट थ्रू, सम वर गेटिंग डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल एंड वेरी फ्यू वर गेटिंग डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स. तो उससे आप बी तो कंक्लूड कर ही सकते थे. ठीक है, बी तो आपका आना ही चाहिए था. ठीक है, नाउ व्हाट इट इज आस्किंग इन सी एंड डी ऑप्शन इज दैट इंस्टेड ऑफ गोल्ड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोल्ड फॉइल, लेट से इफ आई यूज डिफरेंट मेटल, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, तो फिर मेरे स्कैटरिंग के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वॉट इज इट दैट आई विल बी सींग. तो इसमें क्या करा जा रहा है, बाकी सब चीजों को कॉन्स्टेंट करा जा रहा है. ठीक है, द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज दिस थिकनेस ऑफ फॉइल. ठीक है, सॉरी इज द चार्ज, सॉरी इज द चार्ज ऑफ द फॉइल एटम. ठीक है, एल्यूमिनियम का एटम, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, कॉपर का 30 होता है, सिल्वर का कितना होता है, सिल्वर का 47 या 48 होता है. ठीक है, तो उतने ही प्रोटॉन्स इनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, सो दैट विल बी द चार्ज दैट इज देयर. सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, मोर इज द चार्ज फॉर अ गिवन थिकनेस, लेट से इफ आई ड्रू अ वर्टिकल लाइन, ठीक है, फॉर अ गिवन थिकनेस, ठीक है, किसका चार्ज ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम का, कॉपर का कि सिल्वर का, सिल्वर का चार्ज ज्यादा होगा. एंड एज यू कैन सी यहां पर जैसे बता रखा है दैट एस इज प्रपोर्शनल टू द चार्ज, सो मोर द चार्ज मोर विल बी द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट विल बी स्ट्राइकिंग थ्रू. ये समझ में आया वाई आई चोज सी ऑप्शन. ठीक है, सो दिस वॉज समथिंग ऑफ अ एक्स्ट्रा क्वेश्चन. ठीक है, आपसे ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, इसका डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा. ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट रियली पार्ट ऑफ आवर सिलेबस टू गेट इनटू द डेरिवेशन ऑफ दिस, बट हाँ ऐसा पैराग्राफ के फॉर्म में आपको देकर इस पे आपको चीजें पूछी जा सकती है. सो दिस इज समथिंग विच टॉक्स अबाउट योर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी टू ग्रास्प द नॉलेज देन एंड देयर इटसेल्फ एंड देन मेक द कंक्लूजन. ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन दिस नाउ वी शुड बी एबल टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल. ये भी आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, हु विल पैरट इट टू मी, बताओ. All right, so we have a candidate. Lakshmi ka hydrogen emission spectrum hai, that's true, that is also a drawback. Maxwell's law, that's also true. Shivank could not express, yes, Anega.
So, okay, let me, Shivang, can I unmute you and can you dictate the statement to me? All right. So, let me, tum apna haath raise karo ek baar taki upar aa jayega yahan par. I will be able to, yeah. All right. इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड मूव कर रहा है तो एनर्जी को रिलीज करते करते वो स्पाइरल पाथ कवर करके डायरेक्टली न्यूक्लियस में जाके लग जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है. ग्रेट ग्रेट राइट. सो मैं इसको थोड़ा सा वर्ड्स में लिख देता हूँ. सो देयर वाज दिस थ्योरी कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म गिवन बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल. ठीक है, इट वाज समथिंग व्हिच वाज अ पाथ ब्रेकिंग थ्योरी ऑफ दैट टाइम. ठीक है, ये ऐसे 1850s में आई थिंक आई थी थ्योरी. 1850s, 1870s में, I think ये थ्योरी आई थी. एंड दिस वॉज समथिंग दैट चेंज द परस्पेक्टिव ऑफ साइंस. इसके पहले तक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर एक्चुअली थॉट टू बी टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड मैक्सवेल एक्चुअली प्रूव्ड दैट बोथ आर इंटर रिलेटेड. मैग्नेटिज्म एक्चुअली कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ओनली. मैग्नेटिज्म इज नॉट अ यूनिक प्रॉपर्टी इन इटसेल्फ. It is a manifestation of charge moving in loops and circles. Okay, so according to theory of electromagnetism, okay, so usko dono ko combine karke he gave the name electromagnetism. According to the theory of electromagnetism by Maxwell, okay, isme bahut sare conclusions the. One of the conclusions from this theory was that when a charged particle accelerates in an electric field, okay, यहां पर चार्ज पार्टिकल क्या हो गया, यहां पर आपका चार्ज पार्टिकल हो गया इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एंड ये एक्सेलरेट क्यों कर रहा है, बिकॉज ये स्पीड भले ही कांस्टेंट हो सकती है. ठीक है, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है बट डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, सर्कुलर मोशन है. तो इसकी वजह से वी विल से दैट द वेलोसिटी चेंजेस एंड देयर इज एन एंगुलर एक्सेलरेशन एसोसिएटेड विद इट. सो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? न्यूक्लियस का. ठीक है, अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एक्सेलरेट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट शुड कंटिन्यूअसली. ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड था. इट शुड कंटिन्यूअसली emit energy in form of radiation. Okay, so as a result what should happen is that the electron should lose energy and speed. As a result, it should spiral down onto the nucleus. ठीक है, नाउ इट शुड spiral down
on to the nucleus. All right. Now, नहीं, न्यूक्लियर कोलैप्स कुछ अलग होता है सुबोध, दैट इज नॉट द सेम थिंग. वो तो आप ऐसे आई थिंक फिजन या फ्यूजन के बारे में बात करोगे. नो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ओके, नाउ आई थिंक एवरीवन इज क्वाइट अवेयर अबाउट दिस ड्रॉबैक. नाउ व्हाट आई वुड वांट यू टू डू इज, ठीक है, what I would want you to do or understand is, आप लोगों ने इसके बाद में Bohr's model of atom पढ़ा हुआ है, ठीक है, and Bohr's model of atom में the same thing happens, ठीक है, that nucleus and nucleus के around electron revolve कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. बट ये सेम ड्रॉबैक तो वहां पर भी एप्लीकेबल है. हाउ इज इट दैट बोर्स मॉडल गॉट एक्सेप्टेड वेयर एज रदरफोर्ड्स मॉडल गॉट रिजेक्टेड? ठीक है, सो आई वॉन्ट यू टू पुट सम थॉट टू इट. एंड ये मत आंसर देना कि यू नो बोर ने बस बोल दिया था कि ऐसा, बोर का पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन विल नाइदर गेन नॉर लूज एनर्जी, इट विल मूव इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, ठीक है, बट देर इज समथिंग मोर टू इट दैट यू शुड अंडरस्टैंड बिफोर वी मूव टू द Bohr's model of atom. ठीक है, and of course, yeah, there were other drawbacks also from or in the Rutherford's model. Another common one was hydrogen spectrum. तो वो सब क्या है, कैसे है, वो मैं आपको explain करूँगा with time, धीरे धीरे. अभी के लिए I will keep this at bay. ठीक है, हम लोगों ने अभी ये drawback को समझ लिया है, इसके ऊपर discussion करेंगे in Bohr's model of atom. But before we move to Bohr's model of atom, what I would want to actually talk about as the next topic is called theory of light. Okay, this is what I want to talk about before we go into the details of Bohr's model. And this is something which will help us do a transition from Rutherford's to Bohr's model as well. ठीक है, so यहां पर आप लोग observe करना our understanding about the theory of light. So let me put forward a introductory paragraph and then I will ask you to watch a video. ठीक है, to help understand more about the theory of light. So यहां पर ऑब्जर्व करना, लॉन्ग बैक, ठीक है, लॉन्ग बैक एक्चुअली इट वॉज न्यूटन हु हैड प्रपोज्ड अ थ्योरी. सो एन अर्लियर थ्योरी about light was proposed by Newton, in which he described that light is made up of particles. Light is made up of particles called, and he gave the name to them also, he called them as a corpuscles.
अभी स्पेलिंग क्या थी, PUSCLES, corpuscles of light. ठीक है, टू एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ठीक है, सो दैट वॉज द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमेना अबाउट लाइट एट दैट पॉइंट इन टाइम. दैट लाइट की वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बट वन ऑफ द मोस्ट ईजी टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज वर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. सो ही गेव हिज थियरी अबाउट यू नो दीज पार्टिकल्स आर कमिंग एंड स्ट्राइकिंग एंड देन दे आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड, दे आर फॉलोइंग द लॉज ऑफ मोशन. And all those things were proposed by Newton. However, okay, you can say in the beginning of 18th century, okay, certain experiments later, certain experiments demonstrated that light shows wave nature. Okay, they demonstrated wave nature of light. That light behaves like a wave and not a particle. And one of the most famous experiment was Young's double slit experiment. Okay, the Young's double slit experiment is again not something jiska numerical calculation aap se abhi karvaya jayega. Okay, this is something jiske upar aapko physics mein class 12th mein actually numericals karaye jayenge. Okay, you will get into much depth of it. अभी के लिए आई जस्ट वॉन्ट यू टू यू नो ऑब्जर्व दिस एक्सपेरिमेंट. इट्स अ वेरी सिंपल येट एलिगेंट एक्सपेरिमेंट दैट डेमोन्स्ट्रेट्स द वेव नेचर ऑफ लाइट. नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट लेट मी शेयर अ वीडियो विद यू. दिस इज एक्चुअली फ्रॉम अ वेरी कॉमन साइंस चैनल वेरिटासियम का, आप लोगों ने देखा हो तो. ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने, दोज हु आर गीक्स ऑफ ऑल काइंड्स, they would be quite aware of this video in the first place. Wait, I'll just share the link with you. There's no option to make a device secure against bad guys, but insecure. What's the difference between blue light and red light? All right. Wait. All right. Kahan gaya everyone? Theek hai. I shared the experiment with everyone on the chat. Go ahead and watch it, and then we will discuss about this in the next class. Theek hai, sabko video mil gaya hai? Theek hai, great. So watch this video and understand about the theory of light. I will it's a 7-minute-ish video, so let that be the ending note of today's class. And next class हमारा I think कल या परसों ही है, तो we will pick from here itself. We will talk about the theory of light, and with that we will be able to actually get into the numericals of this chapter as well. ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा homework and all भी दे पाऊंगा. आज के लिए actually कोई homework नहीं है, because जो पढ़ाया है मैंने it is all just introductory concepts. ठीक है, so let me close the lecture for the day and watch this video. It's an interesting one, and
आदित्य आपको मिला नहीं क्या लिंक? अरे मैंने एवरीवन पे डाला ना, देखो आपको भेज देता हूँ मैं पर्सनली। किसी और को लिंक नहीं मिला हो तो लेट मी नो, आई विल जस्ट सेंड इट टू यू। ऑल राइट ग्रेट, ठीक है तो आप लोग ये वीडियो देखो एंड देन वी विल। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट का नहीं है, कौन सा वीडियो देख रहे हो आप यार? वेरिटासियम का ये वाला वीडियो नहीं है क्या? लेट मी जस्ट क्लिक। हाँ ये 7 मिनट का है रे, 7 मिनट 39 सेकंड्स का। लक्ष्मी आप सही वीडियो देख रहे हो ना? You can actually put on YouTube original double slit experiment and ये Veritasium channel का जो आएगा वो video देखना, ठीक है? So watch this video and we'll discuss this in the next class, ठीक है? चलो, all right then, take care, let me close the lecture, thank you guys.